ये जो आर्टिकल 149 की बात की जा रही है कराची को पूरा वफाक के कंट्रोल के नीचे देने की, तो क्या ये आईन इस बात की इजाजत देते हैं कि वफाक किसी सूबे के दारुल खिलाफा को बराह रास्त अपने कंट्रोल में ले ले? अच्छा देखिए, अभी कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि 149 है, तो एक ऑप्शन जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। बेसिक चीज ये है कि गैर आईनी काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं करेगी, कोई गैर जमहूरी काम नहीं करेगी। हम वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि आईन हमें वो कौन से रास्ते देता है, कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिसके जरिए कराची आइट्स को हम उनके फंडामेंटल राइट जो है दे सकें। वैसे तो पूरे सूबे सिंध के अंदर इश्यूज हैं, लेकिन क्योंकि कराची आपका पूरे मुल्क का दिल है, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ जो है प्रोविंस ऑफ सिंध है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कराची के मौजूदा हालात ऐसा चले। लिहाजा हम वो सारे ऑप्शन देख रहे हैं, उनको यूज करेंगे जिसके जरिए हम कराची के लोगों को डिलीवर कर सकें और उनकी मदद कर सकें और ये सिंध हुकूमत की जो एक पूरा जंगल है उससे हम इनको बचा सकें। तो सर आपको क्या लगता है कि कचरे की बुनियाद पे जो सियासत की गई है, क्या उसकी वजह से एक शहर पे एक इमरजेंसी नाफिज करना क्या जायज है? नहीं एक्चुअली देखिए, इट इज नॉट ओनली गार्बेज, कचरे की फिर बात नहीं है। मैं अगर आपसे भी पूछूं, अगर आपको पीने का पानी चाहिए तो आप मिनरल वाटर लेते हैं अपने लिए, अगर आपने अपने बच्चों को स्कूल में तालीम देनी है तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो प्राइवेट क्लिनिक तक जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो तो आपके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको वो सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं। सिर्फ कचरा नहीं है, पानी के इश्यूज हैं, तालीम के ही बहुत सारे मसाइल हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि कराची 90% जो है आपका रेवेन्यू जनरेट करता है प्रोविंस ऑफ सिंध का, और उसका टोल शेयर अराउंड 60% है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके साथ अगर ये सलूक होगा कि उसके टैक्स पेयर्स को उसकी बेसिक नेसेसिटीज अगर उसको नहीं मिल सकेंगी, तो आप मुझे बताएं कि हम क्या करें। मतलब आवाम हमसे भी सवाल कर रही है ना, हम उनको भी जवाब दे हैं। क्या हम इसी इंतजार में बैठे रहें कि 2023 में इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन के बाद हम देखेंगे 6 महीने के बाद हम क्या कर सकते हैं? अभी तो 4 साल पड़े। लिहाजा हमारी तो ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो सीरियस हो जाए। 3,500 अरब रुपए उनको पिछले 10 साल में मिले हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, और आपके सामने के सूबे सिंध के अंदर उन्होंने क्या किया। सो वी विल हैव टू फाइंड आउट ऑप्शन के जिसके जरिए हम इस मामला को ठीक करें। सर क्या पीटीआई वाकई में कराची के ऊपर आर्टिकल 149 नाफिज करने का इरादा रखती है? इसकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर पेपर वर्क सब कुछ किया हुआ, या तो फिर ये सिर्फ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक धमकी देने का, एक थ्रेट देने का ये एक जरिया है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्ट्रेटेजिक कमेटी बनाई है, और जिस कमेटी की जिम्मेदारी क्या है, फारूक नसीम साहब को साथ लेने का रीजन क्या है, उनको साथ लेने का रीजन ये है कि वो एक सीनियर लॉयर हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और उन्होंने अलॉन्ग विद द कमेटी ये एक पूरा प्रपोजल जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को देना है कि किन रास्तों के जरिए आइन के दायरे कार में रहते हुए, कोई गैर जमहूरी अमल ना करते हुए, हम कराची शहर के मसाइल हल कर सकें। ये प्रपोजल ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मुझे बताओ कि किस तरीके से इन मसाइल से निकलेंगे। क्योंकि याद रखें कि पैसा तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मिलता है हर साल एनएफसी के जरिए, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि एनएफसी को पीएफसी से लिंक कर दिया जाए, क्योंकि केपीके के अंदर देखें बहुत सालों से सिलसिला है, पंजाब में भी करना जा रहे हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है वो आवाम की खिदमत करना है। अगर आवाम की खिदमत कोई भी हुकूमत नहीं करेगी तो ये वो याद रखे कि वजीर आजम का जो सूबा है वो सिर्फ केपीके या पंजाब नहीं है, सूबा सिंध भी वजीर आजम का है, कराची शहर भी वजीर आजम का है। तो सर कराची में जहाँ आपको पता है कि पहले भी कितने सालों से भुट्टो की वफात के बाद से ये एथनिक राइट्स वगैरह काफी बढ़ती आई, महाजनों सिंधियों के दरमियान इत्तेफाक ये इख्तलाफात की सियासत चलती रही है, अगर इस तरह की इमरजेंसी नाफिज हो, क्या वफाक मुल्क में खाना जंगी की तरफ नहीं लेके जा रही क्या? नहीं जनाब, इंसान को उसके हकूक देना, उनके मसाइल हल करना, इसको खाना जंगी की कोई बात नहीं है, और पीपल्स पार्टी अपनी पूरी कोशिश करेगी सिम कार्ड खेलने के लिए, लेकिन याद रखा जाए कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो आवाम की खिदमत करना है। उसके लिए हर रास्ता अख्तियार किया जाएगा, उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। इनसे पहले भी बहुत सी जो धमकियां देते थे, ये भी अपना शौक पूरा कर लें। तो सर इससे पहले जो आपने जो बात की कि इतने बड़े शहर को ना साफ पानी मिलता है, ना बुनियादी सेहत मिलती है, ना तालीम मिल रही है, कचरे का अपनी सियासत चल रही है, तो ये मसाइल तो पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी हैं क्या, और कराची के बाद और किस शहर में भी चिंता नाफिस की जाएगी?
नहीं देखिए, हालात जो है बाकी शहरों में ऐसे नहीं है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, कहीं पर इतना हाईलाइट सूबे सिंध के अलावा और किसी सूबे को नहीं किया जाता है, किसी और शहर के बारे में बात नहीं की जाती है। कहीं पे जो है सुबह मुल्क के अंदर इतने एड्स के पेशेंट नहीं है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि 6 महीने में 90,000 ड्रॉप पाइप हो जाए और आपके पास दवाइयां मौजूद ना हो। कहीं पे ऐसा नहीं है कि 4-6 महीने में नेगलेक्ट से 12 बच्चे मर जाए, कांगो से जो है 4-5 लोग मर जाए, सूबे के अंदर वबाई इमराज फैल जाए, आज तक जो है ना कुर्बानी की अलाइशा ना उठाई गई, ऐसी बातें कहाँ सुनी जा रही है। ये सब कुछ यहीं पे तो सुनने में आ रहा है, तो जाहिर है कि जहाँ पे प्रॉब्लम होगी इशू वहीं पे ठीक भी किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इससे कराची की जो आवाम है, कराची के जो यहाँ के रहने वाले महाजिर हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, क्या इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात की नहीं पैदा होंगे या इसके कराची पे ओवरऑल क्या असरात होंगे? देखिए मेरी बात सुने, चले हो सकता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ गलत कह रही हो, सारी मीडिया गलत कह रही हो। क्या आपको पता है कि EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जो रिपोर्ट आज रिलीज की है, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है कि कराची मेंटेन्स इट्स 134th रैंक इन द लिस्टिंग ऑफ 140 सिटीज, चौथे नंबर पे दुनिया में आती है। ये हालात हो गए हैं, कांगो के बाहर जो अफ्रीकन स्टेट है ना उनके बाद इनका नाम आ रहा है कराची का 134th नंबर पे। ये एक इंटरनेशनल सिटी है और उसका दर्जा आप देखें कहाँ चले गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन व्हाट एल्स। तो कब तक करप्शन की बुनियाद पर हम इनको बर्दाश्त करते रहेंगे? आप चाहेंगे कि 4 साल और लुटेंगे?